हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। और जैसा कि आपको पता है, हमारी एक सीरीज चल रही है माय बेस्ट टू कन्वेंशनल क्वेश्चंस। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो का जो आंसर है वो भी मैं बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, कि कितना मतलब क्वेश्चन बढ़िया था और वो दो बेस्ट क्वेश्चन में से एक असाइनमेंट मैंने आपको दिया था। तीन क्वेश्चन करवाए थे टोटल आपको। ठीक है, तो अब इस वीडियो के अंदर मैं सॉल्यूशन भी बता दूंगा उसका, प्लस एक असाइनमेंट और आपको नया मिल जाएगा। ठीक है, और दो क्वेश्चन मैं खुद आपको करवाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, तो ये लीजिए आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है उस क्वेश्चन का करना क्या था, ब्रिज को बैलेंस करना था, विजिबल होगा। ठीक है, संतुलन अवस्था में ये 20 प्लस जे करके मतलब जेड वन इंटू जेड फोर बराबर जेड टू इंटू जेड थ्री सॉल्व किया, तो यहां पर देखो ये निकाल रखी है वैल्यू उसने। क्या कलर कैसे नहीं चेंज हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखो यहां पर क्या है कि आर टू का 375 आया, यहां पर 1650 आ रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या कि चूंकि यहां आर टू के मान अलग अलग हैं, अतः अभी सेतु संतुलित नहीं होगा। अतः संतुलित होने के लिए हम जानते हैं आर वन इतना आना चाहिए, एल वन इतना आना चाहिए। दोनों का रेशियो निकाला, R1 L1, R3 L3, देखा तो ये इतना आ रहा है R1 L1 और R3 L3 इतना आ रहा है, तो हमें R1 by L1 को भी इतना बढ़ाना पड़ेगा, 90.91 को वापस 400 करना पड़ेगा। तो हमने अगली केस में उसमें क्या किया, इसने 20 में ऐड कर दिया रेजिस्टेंस कि भाई पता नहीं कि कितना रेजिस्टेंस ऐड करना है, और उसको बराबर कर दिया 400 के। सॉल्व किया तो R का मान कितना है, 68 ओम। यानी आपको R1 के साथ सीरीज में, R1 के साथ श्रेणी क्रम में सीरीज में 68 ओम का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकलिटीज आपको करनी पड़ेगी अगर आपको ब्रिज को बैलेंस करना है, तो अदरवाइज ब्रिज बैलेंस नहीं होगा। मैंने बताया भी था आपको उस दिन, हिंट भी दिया था। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है बच्चों, और आंसर भी इसका शानदार ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन था है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ठीक है बच्चों, एक मिनट, इसमें क्या है कि कलर नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे है ना, मैं इससे करवा देता हूं, दिख रहा होगा विजिबल, ये नहीं हो तो ये विजिबल हो जाएगा, ये लो। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द पावर मेजर्ड बाई द वॉट मीटर शोन इन द फिगर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको क्या है कि देखो यहाँ पर आर वाई भी दिया ना, तो बाय डिफॉल्ट आप बाय डिफॉल्ट के हिसाब से चलोगे कि कौन क्या होता है। हमें पता है आर वाई बी का मतलब थ्री फेज सप्लाई होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन जब बनाएंगे, तो सॉल्यूशन बनाने से पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना, क्या माना, सपोज सपोज द फेज सीक्वेंस इज द फेज सीक्वेंस इज आर वाई और बी। ठीक है, और फेज सीक्वेंस अगर आर वाई बी है तो देन फेज वोल्टेजेस आर। ठीक है, तो वी आर बराबर कितना आएगा, वी एम जीरो डिग्री। ठीक है, वी वाई बराबर कितना आएगा, वी एम माइनस 120 डिग्री, और वी बी बराबर कितना आएगा, वी एम माइनस 240 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये तो फेज वोल्टेज आ गए आपके, अब अपनी वाट मीटर की रीडिंग पूछ रहा है। अब वाट मीटर की रीडिंग आप लोग जानते हो कि प्रेशर कोइल का वोल्टेज, करंट कोइल की करंट, और दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अपन हियर 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 द वाट मीटर रीडिंग, वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी। ठीक है, हियर द
वॉट मीटर रीडिंग। क्या है फॉर्मूला बच्चों उसका? उसका फॉर्मूला आपका होता है वीपीसी इंटू आईसीसी कॉस एंगल बिटवीन कॉस एंगल बिटवीन क्या क्या आएगा बच्चों? एंगल बिटवीन वीपीसी एंड आईसीसी। सही है बच्चों, राइट, वीपीसी एंड आईसीसी। तो अब हमें वीपीसी निकालना है। अब आप देखो यहां पे प्रेशर कोइल का वोल्टेज तो वीबीएन बनेगा, वीबीएन मतलब बी एन मतलब फेज बी का वोल्टेज, ठीक है। तो प्रेशर कोइल का जो वोल्टेज है वो क्या बना बच्चों अपना? प्रेशर कोइल का वोल्टेज क्या बना बच्चों? वो हमारे पास बना वीबी, ठीक है। वो क्या बना बच्चों? वीबी बना, ठीक है, यानी फेज बी का वोल्टेज बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है करंट कोइल की करंट। बच्चों करंट कोइल की करंट तो ऐसे जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब करंट कोइल की करंट निकालने के लिए बच्चों तो आर वाई वी आर वाई निकालना पड़ेगा। भाई करंट कोइल की जो करंट है आई करंट कोइल की जो करंट है वो अपन को कैसे निकालनी पड़ेगी? वी आर वाई डिवाइड बाई लोड का इम्पिडेंस। सही है भाई, लोड का इम्पिडेंस ये लग जाएगा जेड एल दिया हुआ है। तो वी आर वाई, अब देखो वी आर वाई कितना दिया, ये तो 250 वोल्ट दिया था ना बच्चों आपको, ये 250 वोल्ट दिया है वीबी, 250 वोल्ट है ना। लेकिन इस 250 वोल्ट को कितने डिग्री पर लेंगे बच्चों अपन? वीबी को, वीबी अपना आएगा कितना डिग्री दिया हुआ है, कितना वीबी अपन ने कितना डिग्री माना है वीबी को? -240 वोल्ट। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 240 डिग्री, ठीक है, ये वोल्ट में आ गया। अब वी आर वाई निकालना है मेन, तो आर यानी फे आर यानी लाइन वोल्टेज, और हमें ये देखना है कि ये जो आर वाला वोल्टेज है ये इस बी से कितना एंगल बना रहा है। या तो बी से रेफरेंस लोगे तो बी से एंगल निकाल लेना, या किसी और को रेफरेंस लोगे तो किसी और से एंगल निकाल लेना। बात समझ गए क्या? तो एक काम करते हैं, पहले अपन फेजर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो वी आर वाई बराबर क्या बनेगा आपका? वी आर माइनस वी बी, ठीक है। तो फेजर डायग्राम में बना रहा हूं, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका क्या आएगा वी आर, ये क्या आएगा आपका वी वाई, ये क्या आएगा आपका VB, ठीक है, R, Y और B। तो VB तो वो आ गया बच्चों, और हमें क्या चाहिए? R, Y चाहिए। तो R माइनस R, V, R, Y चाहिए, R, Y, ठीक है। यहां मैंने क्या लिखा, ये V, R लिख दिया, V, R, Y चाहिए ना। तो V, R, Y बराबर V, R माइनस V, Y चाहिए हमें, ठीक है, V, R माइनस वी वाई चाहिए। तो वी आर माइनस वी वाई, वी वाई का माइनस आना चाहिए बच्चों, तो इसका तो उल्टा इधर आएगा, ठीक है। तो इसको उल्टा करो इधर, ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ वी बी, सॉरी माइनस ऑफ वी वाई, ठीक है। अब एक बार बताओ ये डिग्री कितना आएगा, ये 60 डिग्री आएगा, ठीक है। 60 डिग्री क्यों आएगा? 120 120 को बराबर बराबर तोड़ेगा, ठीक है। फिर इसको इधर रखा मैंने माइनस वी वाई, ठीक है। तो यहां पर फुल एंड फाइनल क्या जाएगा आपका वी वाई बी आ जाएगा, और ये एंगल आपका आएगा बच्चों 30 डिग्री। कितना डिग्री आएगा ये आपका? 30 डिग्री आएगा। रिजल्टेंट जो आएगा आपका बिल्कुल 30 डिग्री आएगा। ये आपका वी वाई भी थोड़ी आएगा, वी आर वाई आएगा,
हमें हमने निकाला ही क्या है, वी आर वाई निकाला है। बात समझ गए क्या? राइट ठीक है। तो अगर हम लोग वीबी को देखें, तो वीबी को अगर रेफरेंस लोगे तो वी आर वाई बी का एंगल निकल जाएगा कि कितना एंगल आ रहा है। बात समझ गए क्या? वो आराम से आप लोग एंगल निकाल सकते हो। ठीक है चलो अब सुनो मेरी बात, रखता हूं मैं यहां पे। तो वी आर वाई कितना दिया हुआ है आपको, वी आर वाई बराबर, अभी हम लोग है ना रेफरेंस जो लिया है मैंने, एक आर को रेफरेंस ले रखा, कोई दिक्कत नहीं आर को रेफरेंस चलने दो। ठीक है तो वी आर वाई अपना आर के रेफरेंस में कितना बनेगा, आर के रेफरेंस में अगर हम लोग एंगल निकाले बच्चों, तो ये वाला एंगल ले लूं मैं, ये वाला, ठीक है ये कितना डिग्री आएगा बच्चों, 30 डिग्री आएगा। तो ये 30 डिग्री इससे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, 30 डिग्री क्या कर रहा है इससे, लीड कर रहा है। तो ये यहाँ पर आपका क्या जाएगा, कितना था वोल्टेज 200 है ना, तो 200 विद एन एंगल प्लस का 30 डिग्री आ गया। ठीक है बात समझ गया क्या, ये वी आर वाई आ गया। तो हमारे पास करंट कॉइल की जो करंट है वो कितनी आएगी, 200 प्लस 30 डिग्री डिवाइड बाय जेडल, कितना दिया है जेडल दिया है उसने बच्चों 5 और 45 डिग्री, तो 5 45 डिग्री, तो कितना जाएगा बच्चों आईसीसी 40 और ये माइनस का 15 डिग्री वोल्ट। तो ये भी मेरे पास आ गया वोल्टेज आईसीसी। ठीक है आईसीसी मेरे पास आ गया, वीपीसी या वीबी मेरे पास आ चुका है। ठीक है तो दोनों के बीच का एंगल भी निकल जाएगा, कैसे एंगल देखो ऐसा निकलेगा, ये मेरा रेफरेंस है, रेफरेंस से करंट तो 15 डिग्री पीछे है आईसीसी। ठीक है भाई वो ऐसा बना दिया, इसी में समझ जाएंगे कि वो माइनस में, और ये 240 पीछे है ऐसे, तो वाकई में दोनों के बीच का जो एंगल है बच्चों, एक काम करते हैं ना, दोनों के बीच का एंगल ये वाला ले लेते हम लोग, या नहीं लो तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं, ये वाला आएगा बच्चों। तो ये कितना आएगा, 240 माइनस 15, तो 200 कितना हो जाएगा, 225 है ना, 240 में से कितना डिग्री चला जाएगा, 15 जाएगा, 225 30 40 हाँ 225 आ जाएगा। तो ये 225 डिग्री आपका आ जाएगा। ठीक है तो अब वाट मीटर की रीडिंग क्या आएगी, तो बस अब मैं वाट मीटर की रीडिंग लिखने वाला हूँ। तो वीपीसी प्रेशर कोइल का वोल्टेज कितना आया था, प्रेशर कोइल का वोल्टेज आया है 250, ये डिग्री नहीं है बच्चों, यहाँ पर डिग्री डिग्री उधर लगेगा, 250 है ना, 250। ठीक है करंट कोइल की करंट कितनी है बच्चों, अभी निकालिए जस्ट, 40 और दोनों के बीच का एंगल कितना है कॉस 225। एक बार इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है कैलकुलेटर से अगर मैं कैलकुलेट करूं इसे, तो देखो ये क्या आ रहा है, कोस, एक मिनट, कोस 225 है ना, कोस 225, ठीक है तो ये तो 250 गुणा 40 गुणा बच्चों ये माइनस में आ रहा है 1/√2। ठीक है तो इसको अगर मैं फाइनली गुणा करूं सोल्व करूं, तो ये आपका आ जाएगा 250 इंटू 40 माइनस का 7071.0678 वॉट। ठीक है ये इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, किलोवाट में बदले तो माइनस का 7.07 किलो वाट। तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर रहेगा बच्चों। एक बात ध्यान रखना, आप 4 डिजिट तक लेके चले है ना, 4 डिजिट तक लेके चले, ताकि दिक्कत नहीं रहे, आदत सही रहे तो परफेक्ट हो जाएगी काम। ठीक है ये लो कैलकुलेटर यूज में ले रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है, और ये किस में आ गया अपना किलोवाट में।
तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था, थोड़ा सा कठिन है लेकिन कर लोगे, ठीक है। एंगल निकाला अपन ने और कुछ नहीं किया है, रेफरेंस लेके कर लिया। आप चाहे तो रेफरेंस किसी को भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चलना फेस सिक्वेंस के अकॉर्डिंग ही है, चलना हमें फेस सिक्वेंस के अकॉर्डिंग ही है। बात समझ गए क्या? तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और आप एक बार इसको ट्राई करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं पावर मेजरमेंट के, समझ गए बात को। 2019 में भी आया था एक, वो भी हो सकता है अगले वीडियो के अंदर उसको भी करा देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, लेकिन वो इसी उसी क्वेश्चन के लिए हिंट है ये, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। उसके बाद आता है बच्चों सीआरटी पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। किस पर बच्चों? सीआरटी पर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है, ओके। अब सीआरटी पर शॉर्ट नोट लिखना है तो इसके कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है और इसका डायग्राम बनाना है बस, ठीक है। तो आंसर लिखते हैं, चालू कर देते हैं यहीं से, है ना। सीआरटी इज अ हार्ट ऑफ सीआरओ, आई मीन इट इज द मेन पार्ट ऑफ सीआरओ, ठीक है। सीआरओ का ये हार्ट होता है, मेन पार्ट होता है। इट हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो मैंने लिख दिए हैं, फॉलोइंग कंपोनेंट्स, जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, ठीक है। अब ये होती क्या है, देखो इधर, सुनो इधर देखो बच्चों, जैसे मान लो ये सीआरटी है, डायग्राम बनाओगे इसका, ठीक है। ये क्या है बच्चों? सीआरटी, ठीक है, इसको बोलेंगे सीआरटी। इसमें क्या होता है, यहां पर सबसे पहले होता है हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, रजिस्टर की तरह बनाएंगे इसको, ये इसको क्या बोलेंगे, हीटिंग एलिमेंट। और इसके बारे में वैसे लिखेंगे जैसे लिखना है कि हीटिंग एलिमेंट इज यूज्ड टू हीट अप द कैथोड, ठीक है। इट इज गिवन टू द, जितना इसका वोल्टेज होता है 6.3 वोल्ट 600 मिली एम्पियर, बस, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या आ जाता है बच्चों, कैथोड। ये कैथोड के बारे में लिखेंगे फिर कि कैथोड इज अ निकिल सिलेंडर कोटेड विद बेरियम ऑक्साइड या स्ट्रोंटियम ऑक्साइड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन एट मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो क्या लगा होता है, यहाँ पर कैथोड के बाद आपका आता है बच्चों, कैथोड के बाद आता है आपका कंट्रोल ग्रिड, ये क्या आता है, कंट्रोल ग्रिड, ठीक है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को कंट्रोल, ये सिलेंडर होता है जिसमें एक होल होता है, ठीक है। ये आपका क्या है बच्चों, कंट्रोल ग्रिड। इसमें क्या होता है बच्चों, आपका कंट्रोल ग्रिड होता है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ग्रिड के बाद क्या आता है, सुनो, फिर आपका था एक्सेलरेटिंग एनोड, क्या आता है यहां पर, एक्सेलरेटिंग एनोड आता है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं एक्सेलरेटिंग एनोड, कौन सा वाला, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, ठीक है। तो प्री एक्सेलरेटिंग एनोड होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने का काम करता है, जिसको हम लोग प्लस 1500 वोल्ट देते हैं, ठीक है। इस तरीके से मतलब लिखेंगे सारी चीज़ें, समझ गए। उसके बाद ये भी एक सिलेंडर ही होता है जिसमें होल होता है,
फिर आपका आता है फोकस सिस्टम, फिर क्या आता है आपका फोकस सिस्टम। ठीक है, तो फोकस सिस्टम के बारे में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ये देखो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकस सिस्टम होता है प्लस 500 वोल्ट के आसपास। ये क्या होता है बच्चों? फोकस सिस्टम। ठीक है, फोकस सिस्टम के बाद आपका आता है बच्चों पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड। क्या आता है? पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड। ठीक है, ये क्या करता है? ये भी एक्सेलरेट करता है, लेकिन इसका यूज तब करते हैं जब हाई फ्रिक्वेंसी पर सीआर ऑपरेट किया जाता है ताकि ब्राइटनेस बढ़ाई जा सके। ठीक है, ये भी आपको बताया जाता है। तो यहां क्या आएगा बच्चों? प्लस का पंद्रह सौ वोल्ट। ठीक है, ये क्या आएगा बच्चों? आपका पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन गन हुई अभी तो, है ना। अब मैं इसको आगे एक और डायग्राम बना दूंगा जिसमें मैं इलेक्ट्रॉन गन को छोटा कर दूंगा और बाकी डिफ्लेक्टिंग प्लेट दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो इनके बारे में तो लिखे इलेक्ट्रॉन गन असेंबली में क्या क्या होता है, है ना। तो इट हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। बस मेन मेन जो काम की बातें हैं वो ही लिखनी है आपको, फालतू नहीं लिखना है। ए क्या लिखोगे बच्चों? हीटिंग एलिमेंट। इसमें क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड टू हीट अप द कैथोड। इट इज यूज टू हिट अप द कैथोड एंड गिवन टू कौन सी सप्लाई देता है बच्चों इसको? एंड गिवन टू 6.3 वोल्ट 600 मिली एम्पियर एसी या डीसी। ठीक है, उसके बाद बी नंबर पर आपका आता है बच्चों कैथोड। क्या आता है? कैथोड। कैथोड क्या होता है बच्चों? कैथोड जो होता है वो आपका, कैथोड क्या होता है बच्चों? कैथोड आपका होता है, कैथोड इट इज अ निकल सिलेंडर कोटेड विद बेरियम ऑक्साइड या स्ट्रोंटियम ऑक्साइड। ठीक है, बेरियम ऑक्साइड या स्ट्रोंटियम ऑक्साइड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स एट मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद हाँ ये क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड बाय थर्मो आयोनिक इमिशन। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? थर्मोआयोनिक इमिशन के द्वारा यहां पर इलेक्ट्रॉन इमिट्स होते हैं। कैथोड इज इनडायरेक्टली हीटेड।
यहाँ पर कैथोड कैसा होता है, इनडायरेक्टली हीटेड होता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है इसमें कैथोड में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सी नंबर, सी नंबर आता है बच्चों आपका, क्या आता है कैथोड के बाद, कैथोड हो गया, कैथोड के बाद आपका आएगा कंट्रोल ग्रेड, है ना। कंट्रोल ग्रिड क्या करता है, कंट्रोल ग्रिड का काम होता है नंबर ऑफ, है ना, इट कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ ट्रेस, ठीक है। ब्राइटनेस ऑफ ट्रेस को कंट्रोल करता है बाय गिविंग नेगेटिव पोटेंशियल। इसको अपन कौन सा पोटेंशियल देते हैं बच्चों, नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, ठीक है। कंट्रोल ग्रिड के बाद आपका आता है बच्चों डी नंबर पर, कंट्रोल ग्रिड के बाद आपका आता है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, प्री प्री एक्सेलरेटिंग एनोड। इसका क्या काम होता है बच्चों, यह इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट करने के लिए काम में ले जाता है ना। इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। और यहां पर आप लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है वो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होती है, VA के प्रोपोर्शनल होती है, बिल्कुल सही बात है, राइट। उसके बाद ई नंबर क्या आता है बच्चों, फोकस सिस्टम। यहां पर कौन सा होता है, यहां पर जो फोकस सिस्टम होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकस सिस्टम होता है ना। तो यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकस सिस्टम इज यूज्ड इन CRO, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकस सिस्टम इज बेस्ट फॉर स्मॉल डिस्प्ले, बेस्ट फॉर किसके लिए बच्चों, स्मॉल डिस्प्ले, छोटी डिस्प्ले जो होती है उनके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। कितना हो गए बच्चों इसके कंपोनेंट्स, ई एफ आपका आ जाएगा कौन सा, पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड, एफ जो आएगा आपका कौन सा आएगा बच्चों, पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड। पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड, ठीक है। ये क्या करता है, यह हाई फ्रीक्वेंसी पर CRO में ट्रेस की ब्राइटनेस बढ़ाता है, ठीक है। तो यूज्ड टू इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ ट्रेस, है ना, व्हेन CRO ऑपरेटेड एट हाई फ्रीक्वेंसी, वही मेगा हर्ट्ज, मतलब 10 मेगा हर्ट्ज तक जब ऑपरेट करते हैं तब, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसको पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड करते हैं, ठीक है। तो क्यों, ब्राइटनेस को
बढ़ाने के लिए। तो इसके ये जो है ये इलेक्ट्रॉन गन असेंबली है, ठीक है। इसके बाद डिफ्लेक्शन सिस्टम आता है नंबर दो पर। नंबर दो पर कौन आता है बच्चों? डिफ्लेक्शन सिस्टम। अब ये काम क्या करता है? ये डिफ्लेक्ट करने का काम करता है। देखो कैसे, सुनना। होता क्या है, ये अपनी सीआरटी हो गई, ठीक है, ये अपनी क्या हो गई, सीआरटी हो गई, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, यहां पर ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है। तो यहां पर डिफ्लेक्टिंग सिस्टम अपन रख देते हैं, सॉरी इसको मैंने उल्टा बना दिया, इस तरीके से मान, ठीक है। अब ये प्लेट जो है ना, हमेशा एक जो प्लेट होती है ना पैर में से, वो ग्राउंड पर होती है, ठीक है। ये लो, इसको अपन बोलते हैं वाई प्लेट, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, वाई प्लेट है ना। और ये कौन सी प्लेट होती है, एक्स प्लेट, ठीक है। तो वह प्लेट जो कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन देती है, हॉरिजॉन्टल रखी जाती है, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट कहलाती है। वह प्लेट जो हॉरिजॉन्टल रखी जाती है और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन देती है, मतलब वर्टिकल रखी जाती है और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन देती है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट कहलाती है। प्लेटिंग कैपेसिटर की तरह व्यवहार करती है। यहाँ पर हम लोग किसकी कोटिंग करते हैं, फॉस्फर मटेरियल की, है ना। तो कोटेड विद फॉस्फर। और आपको एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पर एक एल्यूमिनियम का सिंक होता है ना, फिल्म होती है एक, जो हीट सिंक की तरह व्यवहार करता है, एल्यूमिनियम फिल्म जो कि हीट सिंक का भी काम करेगी और जो सेकेंडरी मिटेड इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन से एक्वाडक तक ले जाएगी। और एक्वाडक क्या होता है, एक्वाडक एक एक्वियस सॉल्यूशन होता है ग्रेफाइट का, जो कि इनर वॉल में पेंटेड होता है, इस तरीके से पेंटिंग की जाती है इसकी, मतलब कोटेड होता है। पेंटिंग क्या करते हैं, पेंटिंग तो अलग हो जाता है, कोटिंग करते हैं। ये क्या चीज है बच्चों, एक्वाडक, एक्वाडक, ठीक है। तो ऐसी तरीके से डिफ्लेक्शन सिस्टम में लिखेंगे, यूज्ड टू डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। फिर यहां पर लिखते हैं इस तरीके से, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेट्स प्रेजेंट, ठीक है। अब इसमें पहला क्या जाएगा बच्चों आपका, ए वही एक्स प्लेट। और अगर आपने एक्स प्लेट लिख दिया ना, तो एक्स प्लेट का मतलब क्या हो जाएगा, प्लेट placed, plates placed vertically but deflect the electron beam horizontally, deflect the electron beam हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। इसी तरीके से बी नंबर पर क्या जाएगा बच्चों, वाई प्लेट है ना, प्लेट्स प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली बट डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन बीम वर्टिकली। कैसे प्लेस, कैसे इनको डिफ्लेक्ट करते हैं बच्चों, वर्टिकली डिफ्लेक्ट करते हैं। बात समझ गए क्या, ठीक है। चलो हो गया, ये बात समझ गए। चलो नेक्स्ट, कितना आ गए बच्चों आपके,
ये प्लेट्स हो गई है ना, डिफ्लेक्शन के लिए काम में लिया। अब इसके बाद आती है स्क्रीन नंबर तीन पर। तो स्क्रीन में वही दो तीन बातें आपको लिखनी है ना। ऐसे भी लिख सकते हो कि सब मटेरियल्स, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट की जाती है तो वो लाइट इमिट करते हैं, ऐसे मटेरियल की कोटिंग यहाँ पर की जाती है उनको फॉस्फर मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, लिख सकते हो उस तरीके से, है ना, कोटेड विद फॉस्फर मटेरियल, है ना, किसकी कोटिंग होती है फॉस्फर मटेरियल की, एंड एंड एल्यूमिनियम हीट सिंक कलर चेंज कर देता हूँ, हीट सिंक यूज्ड टू, एल्यूमिनियम हीट सिंक क्या, एल्यूमिनियम थिन फिल्म प्रेजेंट एक्ट एज हीट सिंक एंड प्रोवाइड अ पाथ टू सेकेंडरी इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम स्क्रीन टू एक्वाडक। ठीक है, और एक्वाडक क्या होता है, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है, समझ गए मेरी बात को, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बस आपको लिखना है चीज़ों को। ठीक है, तो ये थी पूरी सीआरटी, पूरा डायग्राम भी बनाया अपने, दो बार बनाया, खूब लिखा है कंटेंट, है ना। बाकी आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको और सही लगे। समझ गए, देखो दोनों डायग्राम आ गए। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट जो अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन उसका, सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेजना है। ठीक है, द वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट वोल्टेज इज अप्लाइड थ्रू एन एम्पलीफायर हैविंग अ गेन ऑफ 100, फाइंड द इनपुट वोल्टेज ऑफ द एम्पलीफायर इफ द एनोड वोल्टेज इज 100 वोल्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 10 mm एंड द लेंथ ऑफ द प्लेट्स इज 20 mm, द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द सेंटर ऑफ द वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट इज 25 mm, द हाइट ऑफ द बीम ऑन द स्क्रीन इज 10 mm, यानी वाई दिया हुआ। ठीक है, निकालना देखे कैसे करते हो, देखता हूँ मैं भी, और फिर सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर मिलेगा। बने रहिए नंबर्स लर्निंग के साथ, ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। ऑल द बेस्ट। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।